हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव, वो भी दो तरीकों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटाटा वड़ा का मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में मैंने एक चम्मच तेल लिया है, उसमें एक चम्मच राई डालेंगे और उसे चटकने देंगे। अब उसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते डालेंगे और 6 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है, उसे अब थोड़ा सा सौते करेंगे। अब 1 चम्मच अदरक डालेंगे। अब 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं, उसे मैश कर लिया है। उसमें ये मिक्सचर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी इसमें से हम वड़ा बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे वड़े तैयार करेंगे। अब हम बेसन का बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सब मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसका बैटर ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। इसकी ये कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिस तरह से ये चम्मच को कोट कर रहा है ये सही है। चलिए अब वड़ा बनाते हैं। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और सबसे पहले हम बूंदी बनाएंगे। बूंदी क्रिस्प होने तक हम उसे फ्राई करेंगे। वड़ा को बेसन के बैटर में हम डिप करेंगे और उसे तेल में छोड़ देंगे और उसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। रेडी है, ड्राई मसाला बनाते हैं। उसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ खोपरा लिया है और उसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे और जो हमने बूंदी फ्राई की है उसे डालेंगे और उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे
ये रेडी है। अब इसे ठंडा होने देंगे और मिक्सी में नमक के साथ उसे पीस लेंगे। अब एक पाव लेंगे जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, उसमें हमने जो मसाला तैयार किया है वो रखेंगे और वड़ा रखेंगे। ये रेडी है हमारा मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। चलिए अब दूसरे तरीके से बनाते हैं। उसके लिए एक तवे पर एक चम्मच तेल लेंगे और उसमें एक चम्मच लहसुन की ड्राई चटनी डालेंगे। अभी इस तेल में पाव और वड़ा सेक लेंगे। ये दोनों रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं। इसको हरी चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। और जो मुंबईया वड़ा पाव है उसे हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए।